एक्सेप्ट करेंगे फ्लैशबैक डेटाबेस। सो फ्लैशबैक डेटाबेस क्या करता है, वर्क्स लाइक अ रिवाइंड बटन फॉर द डेटाबेस। आप डेटाबेस को बैकवर्ड लेके जा सकते हैं। हमने अभी तक पढ़ा था कि जब हम रिकवरी करते हैं, रीस्टोर करते हैं, रिकवरी करते हैं, तो हम डेटाबेस को फॉरवर्ड लेके आते हैं। हम रीस्टोर करते हैं पुराना बैकअप और आर्काइव्स के थ्रू या इंक्रीमेंटल बैकअप्स के थ्रू डेटाबेस को आगे लेके आते हैं, फॉरवर्ड लेके आते हैं। जबकि फ्लैशबैक के थ्रू आप डेटाबेस को बैक एंड फोर्थ दोनों तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, कैन बी यूज इन केसेज ऑफ लॉजिकल डेटा करप्शन मेड बाई यूजर्स। ये याद रखिएगा, फ्लैशबैक की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल करप्शन को हैंडल करेंगी। कोई डेटा फाइल ड्रॉप हो गई, कोई बैड सेक्टर आ गए, नहीं ये नहीं करेगा ना फ्लैशबैक, नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई डेटा फाइल डिलीट हो गई, कोई आपके ब्लॉक्स करप्ट हो गए, तो ये उनको कवर नहीं करेगा आपके फ्लैशबैक की कोई भी टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये उनको कवर नहीं करेगा। उसके लिए आपको फिजिकल बैकअप भी चाहिए। आपने क्लोनिंग करना है, दूसरी मशीन के ऊपर बैकअप रीस्टोर करना है, दूसरी मशीन के ऊपर बैकअप लेके जाना है, या डिजास्टर हो जाता है रिकवरी करनी है, तो उसके लिए आपको फिजिकल बैकअप चाहिए। सो फिजिकल बैकअप की अपनी इंपॉर्टेंस है। फिजिकल बैकअप शुड बी देयर एंड यू शुड टेक द रेगुलर बैकअप ऑफ योर डेटाबेस। ठीक है, और एडिशनली आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से आपको बैकअप में रिस्टोर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, वो आप फ्लैशबैक से कवर कर सकते हैं। ठीक है, कोई इतना आप ज्यादा फ्लैशबैक का अभी तक आपने देखा होगा कि कोई इतना ज्यादा ओवरहेड नहीं है। ठीक है, बहुत इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे जो ऐसे ऑपरेशन है फ्लैशबैक के, वो जस्ट इन प्लेस ऑपरेशन है, आपने जस्ट उनको यूज ही करना होता है। मतलब जैसे रिसाइकल पिन हो गया, जैसे फ्लैशबैक थ्योरी होगी, फ्लैशबैक वर्जन थ्योरी होगी, ये सारे के सारे ऑलरेडी अवेलेबल है। जितनी आपकी रिटेंशन उतनी देर पर एटलीस्ट वो चीजें अवेलेबल है। होगा इसमें क्या, यूजर ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसकी जिस वजह से आपकी डेटाबेस इनकंसिस्टेंट होगी, बहुत सारी डेटाबेस के डिफरेंट एरियाज इंपैक्ट हुए, तो अब वो फ्लैशबैक क्यूरी, फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी, फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन, फ्लैशबैक टेबल से आप उसको नहीं कर सकते रिकॉर्ड, क्योंकि आपको पता नहीं है कहां का इंपैक्ट हुआ उसका। तो देन आप क्या करेंगे, पूरी की पूरी डेटाबेस को फ्लैशबैक करेंगे, प्रोवाइडेड कि आपकी डेटाबेस फ्लैशबैक मोड में है, तो आपकी डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेज पे आएगी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप उसको लेके जाना। फ्लैशबैक डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या है जी, जैसे डेटाबेस बफर कैशी होती है वैसे ही आपकी फ्लैशबैक बफर है। अच्छा, जैसे डेटाबेस बफर कैशी से आपका डेटा रिटर्न ऑफ बफर्स के अंदर जाता है, इसी तरीके से फ्लैशबैक बफर से आपका डेटा फ्लैशबैक लॉग्स के अंदर जाएगा, और वहां से फिर वो फ्लैश रिकवरी एरिया में वो लॉग्स जाके मेंटेन की जाएंगे। सो RVWR का प्रोसेस है जो कि क्या करता है, फ्लैशबैक लॉग्स कलेक्ट करता है और फ्लैश रिकवरी एरिया में जाकर वो डाल देता है। फ्लैशबैक लॉग्स आपकी यूज होती है डेटाबेस को बैक इन टाइम लेके आने के लिए, और आपकी रिडू लॉग्स यूज होती है डेटाबेस को फॉरवर्ड रिकवरी के लिए, मीडिया फॉरवर्ड मीडिया रिकवरी करने के लिए। ठीक है, जिस तरह रिडू लॉग्स के बेस पे अकाउंट जनरेट होती है, तो ये फ्लैशबैक लॉग्स की अंडू की कॉपी होगी। बिल्कुल, अंडू की कॉपी। अच्छा, फ्लैशबैक मोड में कैसे आप कवर करें डेटाबेस को कन्वर्ट करेंगे, फ्लैश रिकवरी एरिया सबसे पहले सेट होना चाहिए, रिटेंशन होनी चाहिए उसकी, और फिर आप डेटाबेस को फ्लैशबैक मोड में डालेंगे। लेकिन डेटाबेस को फ्लैशबैक मोड में डालने से पहले जरूरी है कि डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड। ठीक है, आर्काइव लॉग मोड देखें, आपकी रिडू और अंडू दोनों चीजें रिक्वायर्ड होती हैं रिकवरी के लिए। ठीक है ना, देखें आप जब भी आप नॉर्मल रिकवरी भी करते हैं, जब आप रिडू से रिकवरी करते हैं तो क्या होता है, उस वक्त उसको अंडू भी चाहिए होती है, अंडू भी उस वक्त एक्सेसिबल होती है। ठीक है, अंडू को रिकवर करता है, साथ साथ उसमें से जो डाटा होता है वो रीअप्लाई कर रहा होता है या रीडू कर रहा होता है उसको यूज करते हुए। तो फ्लैशबैक जो डाटा बेस है वो अंडू और रीडू दोनों के ऊपर अप्लाई करेगी, रिलाई करेगी, ना कि सिर्फ और सिर्फ रीडू के ऊपर। बैग लेके जाना है तो देखें, बैग लेके जाना है आपका जो फ्लैशबैक के अंदर, वो उसका जो जो फ्लैशबैक आर्काइव्स है उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसमें अंडू डाटा पड़ा हुआ है, वो जो आपका जो आपकी जो आर्काइव है उसमें नया डाटा पड़ा हुआ है। आप सिर्फ बैक नहीं जा सकते हैं उसके थ्रू फॉरवर्ड भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब से एक दफा आपने किया 10 घंटे पीछे ले गए, फिर आपने फ्लैशबैक आर्काइव किया, फिर आप 2 घंटे आगे चले गए। ठीक है, तो उसके लिए आपको रिड्यू चाहिए होगी, तो दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप अपनी अपनी डाटा बेसिस को कर लें, जरा फ्लैशबैक ऑन, आर्काइव ऑलरेडी ऑन है, आप डाटा को बेस को प्रॉपर शट डाउन करें। हाँ, फिर आप सिंपली ये करेंगे, आप ऑलरेडी हैं,
ठीक है, सिंपली रन डेटा पे चल रही हो ना, आप माउंट स्टेज पे भी कर सकते हैं इसको और ओपन स्टेज पे भी कर सकते हैं इसको। तो अगर आपकी डेटा पे ऑलरेडी आर्काइव मोड में है तो फिर आपको फिर आप सिंपली इसको ऑल्टर डेटाबेस ओपन ऑल्टर डेटाबेस लाइफ पे अकाउंट कर देंगे। नहीं नहीं एचआर से क्यों होगी, आर्काइव लॉग मोड में डेटाबेस आपकी कन्वर्ट हो सकती है एचआर से, प्रिविलेज टास्क से जो सिर्फ पावरफुल यूजर कर सकता है। देखें आप वो आप अगर देखना चाहें कि आपकी डेटाबेस लाइफ में मोड में है कि नहीं, तो आप डिस्क्राइब करें वी डॉलर साइन डेटाबेस को। अगर आप डिस्क्राइब करें वी डॉलर साइन डेटाबेस को तो उसमें डेटाबेस में से फ्लैशबैक अंडरस्कोर ऑन का कॉलम दे दें, सेलेक्ट फ्लैशबैक अंडरस्कोर ऑन फ्रॉम वी डॉलर साइन डेटाबेस, बस ये सारा है। ये वही है आपका जो फ्लैश रिकवरी एरिया में रिकवरी एरिया नहीं पड़ा था, वो उस रिकवरी एरिया में कोई भी फाइल होगी वो कितना आता रहेगा, चाहे वो फ्लैशबैक लॉग दे चाहे मिनट्स में मिनट्स 1440.1 है मींस के पॉइंट ये। ठीक है जी आगे चलें, क्लियर है यहां तक? डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में होनी चाहिए, फ्लैश रिकवरी एरिया कॉन्फ़िगर होना चाहिए क्योंकि फ्लैशबैक लॉग्स जो हैं वो फ्लैश रिकवरी एरिया में जाते हैं, वो फ्लैश रिकवरी एरिया की जितनी रिटेंशन होगी उस हिसाब से फिर वो फ्लैशबैक लॉग वहां पे होंगे मेंटेन होंगे। यस वो किसी और लिए हाँ वो तो आप जहां मर्जी कर सकते हैं, लेकिन ये फ्लैशबैक हाँ उसका ये मतलब है कि वो देखें डीबी फ्लैशबैक फ्लैशबैक रिकवरी एरिया शुरू में बनाया सिर्फ और सिर्फ फ्लैशबैक के लिए गया था, लेकिन आप बैकअप भी उसी जगह में जाते हैं आप भी आते हैं उसी जगह में कोई भी चीज उसमें बिल्कुल 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 ऐसे ही। और यही सारा काम आप इंटरप्राइज मैनेजर से भी कर सकते हैं, इंटरप्राइज मैनेजर से भी देख लेते हैं, काफी दिन हो गए हमने इंटरप्राइज मैनेजर दोबारा देखा ही चल भी रहा है कि नहीं। आप अवेलेबिलिटी के टैब पे अगर आए इंटरप्राइज मैनेजर में और उसमें रिकवरी सेटिंग्स यहां पे आपके पास है जी, तो ये फ्लैश रिकवरी एरिया का साइज, फ्लैश रिकवरी एरिया की रिटेंशन और इनेबल फ्लैशबैक डेटाबेस। अभी हमने जो पैरामीटर के थ्रू किया वो आप यहां पे सिंपली आप बॉक्स को चेक करके आप फ्लैशबैक काउंट कर ऑनवर्ड ना, अब अगर आपने डेटाबेस को फ्लैशबैक करना है तो आपको डेटाबेस माउंट स्टेज पे होनी चाहिए, देन आप करेंगे फ्लैशबैक डेटाबेस, डेटाबेस का नाम टू टाइम और आगे टाइम दे दें या टू एससीएन और एससीएन दे दें या टू लॉग सीक्वेंस और सीक्वेंस नंबर दे दें, ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं ये आर्गमेंट से आप कर सकते हैं। और एच टू प्लस अगर आपने करना हो तो फ्लैशबैक डेटाबेस टू टाइम स्टैम्प और टाइम दे दें, फ्लैशबैक डेटाबेस टू एस सी एन एस सी नंबर देते हैं, फ्लैशबैक डेटाबेस टू रीस्टोर पॉइंट और रीस्टोर पॉइंट भी दिए बिल्कुल ऑब्जेक्ट्स फर्दर कोई बहुत सारे ड्रॉप कर देते हैं उनको पर्फ भी कर देते हैं, ठीक है।
हम क्या करते हैं जी के एच ओ आर के स्कीमा में जाके टॉप टेबल टेस्ट पहले देख लेते हैं वो टेबल कौन सा कर दें। मैंने पर्च कर दिया तो अब मैं इसको चाहता हूं कि मैं फ्लैशबैक कर लूं तो मैं डेटाबेस को डाउन करूंगा और वर्ड कर दें या शट डाउन इमीडिएट कर दें और डेटाबेस को स्टार्टअप माउंट करके एक मिनट पहले वाली स्टेट पे ले आऊंगा। जब आप फ्लैशबैक करेंगे तो फिर आपको डेटाबेस ओपन रीसेट लॉग्स के साथ करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन आप रीसेट लॉग्स से पहले भी वापस जा सकते हैं फ्लैशबैक में। आप ये भी कर सकते हैं फ्लैशबैक डेटाबेस टू बिफोर रीसेट लॉग्स। ठीक है, एक दफा रीसेट लॉग्स करने के बाद ये नहीं है कि आप दोबारा उससे पीछे नहीं जा सकते। ये क्या जी देखें, आपको पर्टिकुलर एससीएन पे वापस लेके गया ना वो, आपको टेबल्स आपको ओवरऑल डेटाबेस गई है, सारे डेटा फाइल्स भी जो एससीएन थे ना प्रीवियस स्टेट पे वापस लेके गया ना, कंट्रोल फाइल को वापस नहीं। आपको कंट्रोल फाइल के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। हाँ, टाइम लेता है वो। ठीक है, ये टेबल वापस आ गया। कोई बात नहीं थी। अच्छा सर, हम रीड ओनली मोड में भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, शट डाउन करें स्टार्टअप रीड ओनली करें, या फिर रीसेट लॉग नहीं करें, वो रीसेट लॉग से करना पड़ेगा। सर, अगर ये हम प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तो प्रोडक्शन में पड़ सकती है, ये होना चाहिए। सर, ये लेकिन ऑनलाइन जी सर हमारे फोन है कि ये आपको परफॉर्मेंस प्लस स्पेस, देखिए स्पेस आपको रिडू के मुकाबले में स्पेस तो कम चाहिए इसको, लेकिन स्पेस यू नीड स्पेस। ठीक है, और आपको परफॉर्मेंस भी डेफिनेटली, परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, टाइम भी चाहिए आपको। सर, ये हो सकता है कि हमने एक डेटाबेस से हमें पता लगा कि यार ये टेबल हो गया, उसके हमारे पास यहाँ रिटेंशन बुक करनी थी, लेकिन हमने पूरी डेटाबेस को इसके लिए रिटेंशन हो तो भी होगी। क्या चीज़? एक टेबल ड्रॉप कर दिया। टेबल ड्रॉप कर दिया, ठीक है।
तो अगर हमने फ्लैश बैक रिटर्न किया है ये तो भी काम करेगा हमारे डेटाबेस के लिए। हाँ देखिए फ्लैश बैक, अब देखें आपके फ्लैश बैक डेटाबेस की जो रिटेंशन थी वो रिकवरी एरिया की वो एक मेरा मुझसे ये है कि हमें हमसे गलती होगी, हम प्रोडक्शन के ऊपर उसको फ्लैश बैक करेंगे, वो रिस्टोर करके कर सकते हैं, हो सकते हैं माउंट स्टेज पे लेके वहाँ पे फ्लैश बैक लॉक्स भी ले जाए माउंट स्टेज पे लाके और उसको बाहर। When the flashback database operation completes, open the database in read-only mode to verify that the current target time or SCM are used with a reset log operations to allow AML. So suppose आपने किया वो सही टाइम पे नहीं हुआ था फिर आप दोबारा कर लें माउंट स्टेज पे जाएं और फ्लैशबैक डेटाबेस टू बिफोर आप वो कर लें रीसेट लॉग्स या अगर रीसेट लॉग किए नहीं रीड ओनली ओपन करें। हाँ तो फिर आप और पीछे का टाइम देखें, पीछे का और टाइम देखें, इसलिए आप रीड पहले जरूरी है कि रीड ओनली मोड में करें। हाँ अच्छा एक और बात है, हमने कहा कि अभी पता था यार ये इससे ना 5 मिनट पहले था, हम दोबारा करेंगे तो क्या वो फिर उतना टाइम लेगा या थोड़ा पीछे? अब नहीं आप तो थोड़ा पीछे जाएंगे, वो तो ऑलरेडी जो ना वो उस स्टेज पे हाँ वो तो ऑलरेडी उस स्टेज पे, अब वो थोड़ा टाइम लेगा उस स्टेज में। द ऑपोजिट ऑफ फ्लैश बैक इज रिकवर, यू कैन नॉट यूज फ्लैश बैक डेटा इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अगर आपकी कंट्रोल फाइल रीस्टोर की है या रिक्रिएट कर दिया है तो फ्लैशबैक फिर आप नहीं कर सकते उस कंट्रोल फाइल के क्रिएशन से पहले पहले, क्योंकि कंट्रोल फाइल में से सारी इन्फॉर्मेशन निकल चुकी है, हाँ वो इनवैलिड हो चुके हैं ना। कंट्रोल फाइल जब रिक्रिएट होती है या रीस्टोर करते हैं तो रीसेट लॉग्स के साथ आपको डेटाबेस ओपन करती है करनी पड़ती है। मेरे पास 1 साल महीने की रिटेंशन पीरियड था हमारे को, हमने कहा यार नहीं वो तो 20 से पहले हुआ फ्लैश बैक डेटाबेस को आगे टाइम दे देंगे, क्योंकि करंट जो अब जब भी इस तरह को काम करेंगे ना रीस्टोर पॉइंट बना लेंगे, क्रिएट रीस्टोर पॉइंट नहीं आगे भी ले आके आ सकती है, क्योंकि अंडू और रीडू दोनों यूज करती है, आप कोई भी टाइम बता इसलिए अब मैं उसको टाइम दे दूँ, हाँ आगे टाइम दें वो रीडू यूज करेगी। सर किस तरह हमारी काफी लगती है अभी आपको बताया बिफोर ड्रॉप, इस तरह इसमें ऑप्शन है कि फ्लैश बैक डेटाबेस टू बिफोर फ्लैश बैक पोजीशन लास्ट सर नहीं सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने पहले उसको फ्लैश में किया था सिस डेट माइनस 5/24/16 उसको सिस डेट माइनस 1/24/16 भी ला सकते हैं। हाँ करेंगे वो क्या करेगा फिर वो रिड्यू यूज करते हुए अप्लाई करेगा चेंजेस, ठीक है यू कैन डू दैट, इसलिए उसको बैक एंड फोर्थ लेके जा सकते हैं सिर्फ बैकवर्ड नहीं लेके जा सकते। देखिए दो ऑप्शन है, एक तो रिकवर का है दूसरा ऑप्शन है कि आप देखें रिकवर के केस में क्या होगा कि वो उसके बाद की सारी रिडू अप्लाई करेगा वो फ्लैश बैक भी रिडू यूज करेगा उस केस में, ठीक है। लेकिन देखें अगर आप जब फ्लैश बैक आप करना आप एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं बैकवर्ड लेके जाऊं लेकिन मुझे जरूरत पड़े तो मैं इस टाइम पे लेके आऊं, या तो टाइम नोट कर लें या उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक रिस्टोर पॉइंट बना लें, ठीक है, और फिर आप जब फ्लैश बैक करें तो उस रिस्टोर पॉइंट का नाम मैं वहां तक आया तो मुझे रीसेट क्लास ही ओपन करनी पड़ेगी। यस जब आपने ये किया सर मेरे मकसद देखिए हमारे सारे बैकअप डिलीट होते हैं, हाँ अगर हमें रीसेट क्लास ओपन करते बैकअप हमारे सारे जाए नहीं, और जब आपको ये आपने किया तो आपको जब आपने एक दफा यूज कर लिया एक सेकंड पहले भी कर लिया क्योंकि उसके बाद में तो बहुत सारा टाइम गुजर गया ना, आपने रीस्टोर पॉइंट का नाम तो दे दिया उसके बाद में बहुत सारा टाइम गुजर गया, एक मिनट तो गुजर ही गया होगा या कुछ सेकंड तो गुजर ही गए होंगे, ठीक है, तो वो फिर आपका वो रीसेट क्लास के बगैर काम नहीं चलेगा। कैसे कर सकते तकरीबन कोई 70% प्रोटेक्शन डेटाबेस है जो 10G ऑनवर्ड है उनके ऊपर ये फ्लैशबैक ऑन है, फ्लैशबैक डेटाबेस ऑन है, बाकी फीचर्स भी मैंने किए हुए हैं तकरीबन सारे फ्लैशबैक डेटाबेस टाइप तो होती होती है लेकिन फ्लैश बैक वो डिपेंड करता है बाकी ये फ्लैश बैक टेबल ड्रॉप हो गया फ्लैश बैक वो जो अंडू की रिटेंशन ज्यादा रख के बाकी तो बाई डिफॉल्ट होती है बाई डिफॉल्ट होती है लेकिन रिटेंशन हमने ज्यादा रखी हुई है और रिटेंशन हमने गारंटी रखी हुई है ताकि हम वो फ्लैश बैक ऑपरेशन को सपोर्ट कर सकें।
अच्छा आप वी ट्रांसफर फ्लैश बैक डेटाबेस अंडर को लॉग के थ्रू आप देख सकते हैं कि इसको कितनी फ्लैश बैक लॉग जनरेट हो चुकी है और अर्लीस्ट टाइम भी आप देख सकते हैं कि किस टाइम तक आप डेटाबेस को फ्लैश बैक कर सकते हैं, इनके उसके उससे पिछले लॉग आपके पास नहीं है अवेलेबल। ठीक है, वी ट्रांसफर डेटाबेस ये जैसे आप यहाँ पे देखें वी ट्रांसफर फ्लैश बैक डेटाबेस लॉग में आपको बता रहे हैं ओल्डेस्ट फ्लैश बैक ऐसी हैं और ओल्डेस्ट फ्लैश बैक कहाँ हैं, इनके किस टाइम तक आप कर सकते हैं, हर पांच मिनट बाद वो पर उठाएगा और राइट करना शुरू कर देगा। आर्काइव होती है इसका प्रोसेस कौन सा होगा? एफ आर बी आर बी डब्ल्यू आर रिकवरी राइटर रिकवरी करता है आरबी फॉर रिकवरी। सर फ्लैश बैक बफर भी समझाइए वो क्या है? देखिए आपका जो डाटा चेंज होता है ना, आप चेंज डाटा नया डाटा आपका जाता है उसमें लॉक बफर में, ओल्ड डाटा एक अंडू में जाता है और एक आपका फ्लैश बैक बफर में जाता है। फ्लैश बैक बफर जब आप फ्लैश बैक मोड में रहते हैं फ्लैश बैक बफर अलग से बनती है, वो मेमोरी में बनता है, मेमोरी में एसडीएम एसडीएम जो फ्री स्पेस होती है वहां पे बनता है। अच्छा जी, आप इंटरप्राइज मैनेजर से भी इसको मॉनिटर कर सकते हैं, वीडियो में फ्लैश बैक और डेटाबेस स्टैट के थ्रू स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं फ्लैश बैक जनरेशन पर आवर्स कितनी है। ठीक है, और ये भी सारी इन्फॉर्मेशन आप जियोग्राफिकली देख सकते हैं कौन सी पर्टिकुलर आर्काइव्स हैं, कौन सा पर्टिकुलर डेटा जो फ्लैश रिकवरी एरिया के अंदर पड़ा हुआ। ठीक है, उसको उस हिसाब से आप देख सकते हैं। देन आप गारंटीड रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, लेट्स आप करें जी क्रिएट रिस्टोर पॉइंट, रिस्टोर पॉइंट का नाम गारंटी फ्लैशबैक डेटाबेस। अब इससे क्या होगा, अब इस रीस्टोर पॉइंट तक रिकवरी के लिए ओरेकल क्या करेगा कि जितनी फ्लैशबैक लॉग्स चाहिए वो अपने पास मेंटेन करते रहेगा, उनको पर्ज नहीं करेगा, वो हमारा ये वो राइट करने की हमारे फ्लैशबैक रिकवरी की गारंटी है। यस, ये पर्टिकुलर जो फ्लैश आप ये जो आप उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लैश रिकवरी एरिया में स्पेस खुद प्रोवाइड करनी पड़ेगी, टाइम एंड अगेन फ्लैश रिकवरी एरिया से फाइल्स उठा के मूव करनी पड़ेंगी, आर्काइव होगी कोई आपके बैकअप हो गए या फ्लैश बैक लॉन्ग होगी, गारंटी को खत्म कैसे किया वरना तो वो सर वो उस ड्रॉप कर रिस्टोर पॉइंट को ड्रॉप करने जब आपकी एक्टिविटी रिस्टोर पॉइंट ड्रॉप भी हो जाए। क्रिएट कैसे होता है, क्रिएट ड्रॉप रिस्टोर पॉइंट, रिस्टोर पॉइंट का नाम सर जो हम ड्रॉप करेंगे तो वो जो हमारा इसका गारंटी डाटा होगा जो कि हमारे उस गारंटी पीरियड से भी पुराना पड़ा हमें फिर वो साथ भी पास हो गया। कंपेटिबल इनिशियलाइजेशन पैरामीटर 10G रिलीज 2 और हायर होना चाहिए, तो फ्लैशबैक डेटाबेस 10G रिलीज 2 ऑनवर्ड है, रिलीज 1 में नहीं है। ठीक है, द डेटाबेस मस्ट बी रनिंग इन आर्काइव लॉग मोड, फ्लैशबैक डेटाबेस रिक्वायर्स द यूज ऑफ आर्काइव्ड डिव लॉग्स स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड द टाइम ऑफ रजिस्टर पॉइंट एंड फ्लैश रिकवरी फास्ट रिकवरी एरिया मस्ट बी कंसीडर्ड। सर कंपेटिबल जो पैरामीटर है नहीं नहीं नंबर आएगा ना, देखें ये आएगा शो पैरामीटर करें हाँ बहुत सारी आप फीचर्स ये देखें, अगर आप 11G की डेटाबेस है लेकिन आप चाहते हैं ये बिहेव 10G की डेटाबेस की तरह करे तो आप इसका कंपैटिबल का पैरामीटर 10.2.0.0 सेट कर दो, सारे फीचर डिसेबल हो जाएंगे 11G वाले। वैसे मैं कह रहा हूँ आप डेफिनेटली नहीं आप ये लेट से 10G की डाटा 11G की डाटा बेस आप रीस्टोर 10G के सॉफ्टवेयर के साथ कर रहे हैं तो फर्क हो सकता है जो पड़े नॉर्मली जिससे कोई भी चेंज होगी उसको कैटर नहीं करेगा सिर्फ लॉजिकल पहला लेकिन नहीं लेकिन उसका साइज से ताल्लुक है ना उसका ठीक है, वो अपॉइंट वाला आर्काइव नहीं होती, फ्लैश बैक लॉन्ग चली जाती है लाइफ रिकवरी एरिया में फिर वहां से फर्दर आर्काइव तो नहीं होती, ये कह रहा है कि फ्लैश एफ आर ए में वो नहीं है फिर फर्दर आर्काइव होके कहां पे कहीं भी पड़ी होंगी वो आप उसको मैनुअली आर्काइव करेंगे वो खुद से आर्काइव नहीं होंगे। जो आपने बताया था कि आज मैं फ्लैश रिकवरी एरिया कवर किया है, यस 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 दैट इज ओके, यस यस अदर ओके जी दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर।